नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजन बड़ेयाल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में तोपों से दाग रहा गोले, 48 घंटे में 80 से ज्यादा बार तोड़ा सीज फायर। कुपवाड़ा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 4 जवान शहीद। कश्मीर में जमाते इस्लामी के 70 ठिकाने होंगे सील, कई नेता हिरासत में लिए गए। पाकिस्तान की गोलीबारी के बीच LOC पहुंचे GOC उत्तरी कोर, तैयारियों की समीक्षा की। महबूबा मुफ्ती ने सरहद के संघर्ष को बताया ड्रामा, कहा कश्मीरी भुगत रहे हैं। अभिनंदन की रिहाई के बीच पाकिस्तान की एक और खतरनाक साजिश का खुलासा, मिले सुराग। अब समाचार विस्तार से। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। पिछले 48 घंटों में पाक की ओर से सीमा पर 80 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। शुक्रवार को LOC पर सेना की अग्रिम पोस्टों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए पाक ने गोले दागे, इसमें कई मकानों को क्षति पहुंची है। पुंछ के जुलास गांव में गोला गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई, इसमें एक महिला व 2 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा एक मेजर समेत 3 जवान घायल भी हुए। रिहायशी इलाकों में गोले फटने से कई अन्य लोग जख्मी हैं। पुंछ के शाहपुर, बालाकोट, मेंटर सेक्टर, रजौरी के नुशारा सेक्टर तथा उड़ी में गुरुवार और शुक्रवार को रात से लोग सुबह तक पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए, इससे LOC के सटे इलाकों में दहशत का माहौल है। हालांकि भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में ताइया क्षेत्र में भारतीय सेना की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। शाम करीब 6 बजे पाकिस्तानी सेना ने बालाकोट, मेंडर, मनकोट और कृष्णाघाटी में भी भारी गोलीबारी की। मोर्टार दागे जाने की आवाज़ें करीब 70 किलोमीटर दूर पुंछ तक सुनाई दी गईं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में शुक्रवार को मुठभेड़ में CRPF के इंस्पेक्टर समेत 4 जवान शहीद हो गए, जबकि एक नागरिक की मौत भी हो गई। इस गोलीबारी में 9 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल गोलीबारी रुक गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। जिले के लंगेट इलाके के बाबागुंड में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर 22 राष्ट्रीय राइफल्स, 92 बटालियन CRPF तथा SOG ने गुरुवार की देर रात घेराबंदी तथा तलाशी अभियान शुरू किया। 5 घंटे की तलाशी के बाद घेरा सख्त होता देख एक मकान में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें रात में लगभग 1:30 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। शुक्रवार को भी मुठभेड़ जारी रही। इस दौरान सुरक्षा बलों ने विस्फोट कर मकान को उड़ा दिया। इसके बाद दूसरी ओर से फायरिंग बंद हो गई और सूचना मिली कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं इस बीच गिरे हुए मकान के मलबे से निकलकर आतंकवादियों ने फिर गोलीबारी शुरू कर दी, इसमें 9 जवान घायल हो गए। फायरिंग शुरू होते ही जवानों ने मोर्चा संभालकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे दोबारा मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों के अनुसार फायरिंग में घायल हुए CRPF के इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिस के जवान शहीद हो गए। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में बड़े स्तर पर फंडिंग करने वाले जमाते इस्लामी पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जमाते इस्लामी पर शिकंजा कसने के लिए उसके कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। साथ ही जम्मू और कश्मीर में उसकी जुटाई गई 52 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति सील करने के लिए 70 से ज़्यादा परिसरों की पहचान भी कर ली गई है। संपत्ति सील करने की कार्रवाई UAPA प्रॉपर्टी और एस्टेट्स प्रोविजन्स के तहत की जा रही है। जमाते इस्लामी की कई संस्थाओं की पहचान भी की गई है, जिसमें कई शैक्षणिक संस्थाएं, दफ्तर, स्कूल भी शामिल हैं। इससे पहले भी 2 बार जमाते इस्लामी संगठन की गतिविधियों के कारण इसे प्रतिबंधित किया जा चुका है। बता दें कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने सूत्रों से पता चला कि जमाते इस्लामी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में बड़े स्तर पर फंडिंग करता था। ऐसी तमाम जानकारियों के बाद गृह मंत्रालय ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद कड़ा कदम उठाते हुए जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया है। माना जा रहा है कि इसके बाद अगला नंबर हुर्रियत का हो सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। LOC पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। इससे पैदा हुए हालात का
जायजा लेने के लिए शुक्रवार को सेना की उत्तरी कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने एलओसी के अखनूर इलाके का दौरा किया। उनके साथ व्हाइट नाइट कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह भी थे। अधिकारियों ने सेना की तैयारियों की समीक्षा की और उनका हौसला बढ़ाया। परमजीत सिंह ने रणबीर सिंह को बताया कि जमीनी सतह पर सेना की तरफ से हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी रखी गई है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका भारतीय जवान पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पर पूरा दबाव बनाकर सेना जवाब दे रही है। जीओसी रणबीर सिंह ने सेना के बंदोबस्त पर संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने जवानों से कहा कि वे इसी तरह से डटे रहें, दुश्मनों पर पैनी नजर बनाकर रखें और देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्ती से निपटें। उनके हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाएं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में बार पलटवार के बीच अब इमरान सरकार ने विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर दिया है। अभिनंदन के भारत आने के बाद दोनों देशों के बीच जारी तनाव में कमी महसूस की जा रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सरहद पर चले इस संघर्ष को ड्रामा करार दिया। पीडीपी सुप्रीमो और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती हमले के बाद से लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रही हैं। अनुच्छेद 35 ए पर वो बेहद सख्त टिप्पणी कर चुकी हैं और जमात इस्लामी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का भी विरोध जता रही हैं। अब उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान ने सीमा पर अपना ड्रामा कर लिया है और कश्मीर की आवाम इसकी पीड़ित है। इससे पहले जमात इस्लामी कश्मीर के नेताओं और अलगाववादी नेताओं पर एक्शन का भी महबूबा मुफ्ती विरोध कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से मनमाने कदम को समझ नहीं पा रही हूं, जिससे केवल मामला और उलझेगा। लंबे इंतजार और आखिरी वक्त तक पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई पैंतरेबाजी के बाद आखिरकार भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन कल अपने देश की धरती पर कदम रखकर वापस लौट आए। पाकिस्तानी संसद ने प्रधानमंत्री इमरान खान के शांति की पहल के तौर पर भारतीय पायलट अभिनंदन को छोड़ने के ऐलान के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और पूरे दिन विंग कमांडर की रिहाई को लटकाए रखा। विंग कमांडर की रिहाई को पाकिस्तान पर भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच भारत की खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश के सुराग मिले हैं। दरअसल खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के जवान पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के निशाने पर हैं। खुफिया एजेंसियों के हाथ एक पाकिस्तानी नंबर की चेट लगी हुई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री एजेंसी और कश्मीर में सक्रिय ISI के एजेंट घाटी में तैनात सुरक्षा बलों के राशन स्टॉक में जहर मिलाने की योजना बना रहे हैं। खुफिया नोट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के सभी शिविरों में राशन डिपों की सुरक्षा पुख्ता तौर पर सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की बात कही गई है। खुफिया सूत्रों ने यह भी कहा है कि देशभर में सुरक्षा बलों के लिए खरीदे गए हर तरह के राशन को किसी भी अप्रिय घटना या फिर इस तरह की कोशिश से निपटने के लिए अलग अलग स्तर पर जाँच की जाएगी। खुफिया सूत्रों का ये सुराग ऐसे वक्त पर मिला है जब सीमा पर भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद के कारण घाटी में भी तनाव का माहौल बना हुआ है। सीमा पार से आतंकवादियों की बड़ी घुसपैठ की जानकारी आ रही है, जिसे देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा राजौरी के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि आतंकी सीमा पार से बड़ी संख्या में इस ओर दाखिल हुए हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा बलों द्वारा उनकी धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के लिए बता दें, ये सर्च ऑपरेशन राजौरी के रब्बा जमोल इलाके से चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर, किश्तवाड़ और रामबन जिले में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 2 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत हो गई और 34 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि 40 यात्रियों को ले जा रही एक निजी बस सुनईसर से पास चंदे गांव में आधी रात को तब हादसे का शिकार हो गई जब चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और वे फिसल कर खड्ड में गिर गई। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाबंदी के कारण यातायात पुलिस से बचने के लिए चालक ने कथित रूप से कोई भी रास्ता पकड़ लिया। पुलिस ने जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को शनिवार को जम्मू से श्रीनगर जाने वाले लोगों के लिए खोल दिया था। ये मार्ग बारिश और बर्फबारी के कारण हुए भूस्खलन के कारण कई दिनों से बंद था। घायल 32 लोगों को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य घटना में एक महिला समेत 3 लोगों की उस समय मौत हो गई जब शनिवार सुबह किश्तवाड़ जिले के डडपेट मुगल मैदान में उसकी कैब गहरी खाई में गिर गई। वहीं आज सुबह एक अन्य हादसे में रामबन के पास जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 ट्रकों की टक्कर में जम्मू के रहने वाले चालक गुरदेव सिंह की मौत हो गई।
आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। मौजूदा हालात के विषय में बात करते हुए उन्होंने कहा कि एलओसी पर संघर्ष विराम के उल्लंघन से राजौरी और पुंछ में काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने अफसोस जताया कि सीमा पर चल रहे तनाव के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को घर बार छोड़कर रहना पड़ रहा है। आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक टीम इन क्षेत्रों का दौरा करेगी और लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि सीमा पर से हो रही गोलीबारी के कारण सिर्फ आम आदमी ही परेशान नहीं है, बल्कि सीमा प्रहरी भी दिन रात देशवासियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता शामिल हुए और आजाद सहित प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर ने उनका पार्टी में हार पहनाकर स्वागत किया। जम्मू कश्मीर में हमला करने के बाद पीओके में गिरे पाकिस्तानी विमान F-16 के पायलट को बीड ने भारतीय समझकर पीट पीट कर मार डाला। ये दावा लंदन में रह रहे वकील खालिद उमर ने अपनी फेसबुक पोस्ट में किया है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उमर ने पोस्ट में लिखा, दुखद है कि पाक के कब्जे वाले कश्मीर में इजेक्ट करने के बाद पाकिस्तानी पायलट जिंदा था, लेकिन बीड ने उसे भारतीय समझकर पीटा। जब उन्हें पता चला कि ये हमारा ही आदमी है तो शहजाद को अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। 26 फरवरी को जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने कश्मीर के राजौरी और पुंछ में घुसपैठ कर भारत के सैन्य अड्डों पर हमले की कोशिश की थी। इस दौरान कुछ बम भी बरसाए गए लेकिन ये निशाने पर नहीं गिरे। बाद में भारत के MiG-21 विमानों ने उन्हें खदेड़ा। इस लड़ाई में F-16 विमान POK में गिरा था। पाक सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि उनके कब्जे में भारत का एक ही पायलट है। इसी दिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने प्रेस ब्रीफिंग में एक MiG-21 विमान खोने और एक पायलट के लापता होने की पुष्टि की थी। 27 फरवरी के घटनाक्रम के बाद पाक अपने F-16 के गिरने की बात से इनकार करता रहा। हालांकि 28 फरवरी को इसके मलबे की फोटो की हमने भारतीय विमान को मार गिराया और उनके दो पायलटों को पकड़ लिया। उन्होंने ट्वीट में बताया था कि एक पायलट अभिनंदन सेना के कब्जे में है और दूसरा अस्पताल में भर्ती है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी पायलटों का जिक्र किया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने स्पष्ट किया था कि सामने आने पर पाकिस्तान का झूठ उजागर हो गया। राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में कल राज्य प्रशासनिक परिषद की जम्मू में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें विशेष रूप से पंचायत राज संस्थानों के कामकाज की ओर मजबूत करने के लिए पंचायत लेखा सहायकों के 2000 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई। राज्य में 4483 पंचायतें हैं। संसाधन के ध्यान में रखते हुए 2000 पंचायत लेखा सहायकों को जिम्मेदारी दी जाएगी। आबादी और भौगोलिक दूरी के आधार पर 2-3 पंचायतों का प्रभार एक पंचायत लेखा सहायक को देने की योजना है। इन पदों पर भर्ती SSB द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से SSB 202 के तहत की जाएगी। इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को पहले 5 साल तक संविदा वेतन मिलेगा और इसके बाद पूर्ण रूप से नियमित वेतन दिया जाएगा। बीजेपी की तरफ से आज पार्टी हेडक्वार्टर से संकल्प बाइक रैली निकाली गई, जिसमें पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर इस बाइक रैली को रवाना किया। इस रैली में पार्टी के महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भी भारी संख्या में हिस्सा लिया। MLC चरणजीत सिंह खालसा व पार्टी के जिला प्रधान बलदेव सिंह बलौरिया भी कार्यक्रम में विशेष तौर से उपस्थित थे। ये जो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं उसी का ये अंतिम कार्यक्रम है। हमारी बाइक रैली पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त हर जगह से, हर मंडल से, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से इस प्रकार की रैली निकल रही है। आज ये गांधीनगर मंडल की जो रैली है ये युवा मोर्चा के माध्यम से इसके प्रधान श्री अंकुश जी, श्री नयन गुप्ता जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान बलदेव जी, हमारे प्रभारी श्री जोल डोगरा जी, श्री विनय जी और सभी नौजवान कार्यकर्ता यहाँ के हमारे खालसा जी सभी अधिकारी इसके साथ चलेंगे और रैली के माध्यम से हम बताना चाहते हैं पूरा देश आज उन सैनिकों के साथ मोदी जी के साथ खड़ा है। रैली जो है वो देर पहले डिसाइड थी, जो आज जनता भारतीय जनता पार्टी ने युवा किया वो उसको निकालेगी। तो भारत को नाम से ये चल रही है, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है लोगों के लिए, देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए, फूड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये सारा लोगों को जागृत करने के लिए किया जा रहा है।
कल पुरमंडल व शनी इलाके में वन भूमि के अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। जब विभाग की टीम की मदद करने के लिए पुलिस वहां पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिसमें वन विभाग के रेंज ऑफिसर, डीएसपी, एसएचओ सहित कई कर्मी भी घायल हो गए। इस झगड़े में उत्पादियों ने एक कांस्टेबल की राइफल भी छीन ली, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को हवा में गोलीबारी करनी पड़ी और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। देर रात तक इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही। पुलिस को आला अधिकारियों ने वहां मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस की तरफ से जाँच की जा रही है कि उत्पाद मचाने वाले लोग कौन थे। 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जम्मू दौरे को लेकर पैंथर्स पार्टी की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष हर्षदेव सिंह का कहना था कि पैंथर्स पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस दौरे का विरोध करेगी और प्रदर्शन करेगी, क्योंकि कमीशन की तरफ से जम्मू कश्मीर में जानबूझकर चुनाव कराने में देरी की जा रही है। और 4 मार्च को पैंथर्स पार्टी प्रदर्शन करेगी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दौरा है, ये बताने के लिए कि किस तरीके से बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है इनके द्वारा, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के नारे की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो भी ऑफिसर्स जो हैं इस तरीके की राजनीति में मुलफ्फिस हैं उनको वहां से शिफ्ट करने की और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हम मांग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से करना चाहते हैं। और यह भी कहना चाहते हैं कि खास तौर पर रामनगर के अंदर एक पुलिस अधिकारी है जो लोगों को डरा रहे हैं कि आप अगर बीजेपी के साथ नहीं चलेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमे दायर किए जाएंगे, आपको झूठे केसेस में फंसाया जाएगा। और पिछले इलेक्शन के दौरान भी जो म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शन हुई है उनका बहुत ही नेगेटिव रोल रहा, और जिस तरीके से उन्होंने खुलेआम एक पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ जो है वो सपोर्ट किया, खुलेआम सपोर्ट किया, उसके बारे में भी बहुत सारी शिकायतें होने के बावजूद भी उस अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है, उनको वहीं रखा गया है। और इसी तरीके से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, ज़िला उधमपुर में बहुत सारे ऐसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं जो लोगों को ये कहते हैं कि उनकी मनरेगा की पेमेंट्स जो 2-3 साल से पेंडिंग है वो तब मिलेंगी अगर वो बीजेपी को वोट देंगे। ऐसे अफसरों के खिलाफ ना केवल सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी बल्कि उनको फौरन वहां से शिफ्ट किया जाना चाहिए, और जिस तरीके से पद का, पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत चलाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, यही एक कारण है कि आज तक जो इस किस्म की जो वाकया होते रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हालात जो है वो खराब होते हैं, एलिनेशन बढ़ती है और लोगों का गुस्सा जो है आज चरम सीमा के ऊपर है। इन अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन एडवोकेट सुनील सेठी ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पीडीपी व नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा केंद्र सरकार की तरफ से बॉर्डर के लोगों की तरफ से 10% आरक्षण देने का विरोध करने की कड़ी निंदा की। उनका कहना था कि बॉर्डर के लोगों को बराबरी का मौका दिया जा रहा है, जिसका विरोध करने के बजाय इन पार्टियों को इनका स्वागत करना चाहिए। क्या बात है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना बड़ा फैसला लेती है कि रिजर्वेशन दी जाएगी प्रमोशन में रिजर्व कैटेगरीज को, या रिजर्वेशन दी जाएगी 10% उन लोगों को जो कि रिजर्व कैटेगरीज में फाल नहीं करते लेकिन जो गरीब है, तो या इंटरनेशनल बॉर्डर वालों को जो है रिजर्वेशन दी जाएगी, तो क्यों ये सियासी जमात जो कांग्रेस हो गई या नेशनल कांग्रेस हो गई या बाकी लोग ये बात करते हैं कि इसको चैलेंज करेंगे? क्या इनको समझ नहीं आती कि जो लोगों की भलाई के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं कम से कम उसमें गवर्नमेंट के साथ खड़े रहिए? आप पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट के काम को नुक्ताचीनी करने में इतने मसरूफ हो जाते हो कि आप लोगों की भलाई भी नहीं देखते। और ये अगर कोई जाना चाहता है अदालत में वो जा सकता है, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली इन प्रोविजंस को जो है वो एक्सटेंड किया गया है जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये समझना चाहिए कि कुछ लोगों को ये ख्याल है कि जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी, जब तक उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, तब तक इस रियासत में जो है वो लोगों को इंसाफ नहीं दिया जा सकता। ये गलत बात है। ये सोचना कुछ सियासी मुर्गे ये सोचते हैं कि अगर वो बांग नहीं देंगे तो यहाँ पे रियासत में जो है वो इंसाफ का सवेरा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं दिलवाना चाहते हो, उनको बंद करना चाहते हो, तो ये जनता के लिए भी सोचने का विषय है कि क्या ऐसी
सियासी जमातों को जनता सपोर्ट करेगी या उनके साथ चलना पसंद करेगी, जो कि समाज में इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हमारे साथ नहीं चलना चाहते। जेएनके भारत स्काउट्स एंड गाइड की तरफ से 37 भारत एंड स्काउट्स एंड गाइड को बांग्लादेश भेजे जाने के संबंध में जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक शेख इशाक जबर ने टूर को हरी झंडी दिखाकर जम्मू से रवाना किया। इस टूर के माध्यम से ये स्काउट्स एंड गाइड बांग्लादेश में आयोजित होने वाले स्काउट्स एंड गाइड जम्बूरी कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्काउट्स एंड गाइड के स्टेट कमिश्नर आईडी सोनी भी कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित थे। आज हमारे जम्मू कश्मीर के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के कोई 32 बच्चे जो बांग्लादेश जा रहे हैं नेशनल के लिए, जो एक बहुत ही अच्छा जो भारत स्काउट्स ने यहाँ पे मुनक्कद किया है, और बच्चों को मौका मिलेगा दूसरे मुल्क में जाने का और वहाँ के लोगों के जो उनका जो क्या कहते हैं इसको, जो उनका कल्चर है, बाकी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ख़ासकर जो जम्मू कश्मीर का स्काउट्स एंड गाइड्स है, काफ़ी अच्छा इस वक्त उनका चल रहा है। ख़ासकर कश्मीर में हमने देखा कि जैसे यात्रा के दौरान जब बालतल में काफ़ी ज़्यादा इस बार वो लैंडस्लाइड्स वगैरह हुए थे, तो स्काउट्स एंड गाइड्स के जो हमारे लोग थे और हमारे बच्चे वहाँ पे जो उस वक्त वॉलंटियर सर्विस कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा सराहनीय उनका काम रहा। काफ़ी लोगों को, काफ़ी यात्रियों को उसके दौरान जो मुश्किल आए थे, उन्होंने उनकी मदद की। और हम चाहते हैं कि ये दिन ब दिन बढ़े और इसका जो एक हमारा मुहिम है, ये जो हमारा चल रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि इससे जो हमारी ह्यूमैनिटी को हम एक इस वक्त इंसानी जज्बे के तहत जो काम कर रहे हैं, जो लोगों के मुश्किलात में ये काम आ रहे हैं, और सोसाइटी में जो दूसरी गलत चीज़ें हैं जैसे ड्रग्स का है, बाकी चीज़ों का है, इनको अवेयरनेस भी कर रहे हैं लोगों को इनसे दूर रहने के लिए। तो इस मुहिम को हमें सबको मिल के इसको कामयाब करना चाहिए, और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमें हर तरह की इस वक्त मदद करनी चाहिए। और मेरी यही आज के दिन से यही पैगाम रहेगा कि इस मुहिम को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और लोगों में जो हमारे समाज में जो बिद्दत है, जो गलत चीज़ें हैं, उनको कोशिश करें उन लोगों से दूर करने की। और ये मुहिम हमारा यही मकसद रहेगा, आगे भी ये ऐसे ही चलता रहे और मजबूत होते रहे। साइंस कॉलेज जम्मू में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जम्मू लाइन्स ब्लड डोनर द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया और सभी को रक्तदान करने का संदेश दिया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने कहा कि किसी की कीमती जान बचाने के लिए रक्तदान सबसे अहम भूमिका अदा करता है। हमारे कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, तो मैं इससे सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए, जैसे मैंने आज किया। तो इससे क्या होता है कि हम किसी भी गरीब को इमरजेंसी में, हमारे जवानों को बॉर्डर्स पे, तो हमें उनको हेल्प करनी चाहिए। इससे हेल्प उनको हो जाती है कि अगर हम ब्लड डोनेट करें, और ऐसा नहीं है कि किसी लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड डोनेट करने से कोई वीकनेस आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-3 दिन में ही रिकवर हो जाता है, और चाहे आप अगर आप अच्छी डाइट खाओगे वापस रिकवर हो जाता है। सबको ये मैसेज है कि प्लीज़ ब्लड डोनेट करें। थैंक यू। हमें पिछले दिनों जो हमारी जम्मू में स्ट्राइक्स हुई हैं, जिसमें कर्फ्यू भी रहा था, तो उसकी वजह से हमें GMC और शालामार से बहुत सारी कॉल्स आई कि हमारे जो ब्लड है डोनर हमारे पहुंच नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई है ब्लड की। तो उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए, हमने GGM साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल सर से बात की, तो उनसे हमने परमिशन ली। उसके बाद हमने GMC में इनसे बात की, जो हमारी हेड है मैम HOD हैं, ब्लड ऑर्गेनाइजेशन की, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम आज चलेंगे। तो आज हम आए हैं और काफ़ी उत्साह से बच्चे जो हैं हमें आया साथ दे रहे हैं। अभी तक 40 बोतलें हमारे पास मतलब आ चुकी हैं, तो हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा चलता रहे। हीरानगर के गगवाल क्षेत्र में भाजपा द्वारा विजय संकल्प बाइक रैली का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करने के मद्देनजर इस रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता रशपाल वर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया। और ये विजय संकल्प रैली, इसका नाम इसलिए दिया गया है कि आने वाला जो अप्रैल मई में 2019 का जो पार्लियामेंट का चुनाव है, वो भारतीय जनता पार्टी जीते और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, उसके लिए जो विजय संकल्प रैली है। और एक रैली की बात नहीं है, पीछे 24 तारीख को हमारे
अमित शाह जी जम्मू में आए थे, जो नवरत्न थे हमारे हर एक बूथ में, नौ नौ लोग हमने पार्टी का काम करने के लिए बनाए थे, उनको भी उन्होंने संबोधित किया था और वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी जोश भरा था कि जो हमारा आने वाला चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जीते और मोदी जी हमारे फिर से प्रधानमंत्री बने। मोदी जी से आने से हमारा हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया में इस समय दंगे के जोर से ऐसा लगता है कि काम हो रहा है कि पूरी दुनिया मोदी जी को मान रही है, हिंदुस्तान को मान रही है कि जो हम पीछे काफ़ी जो हमारे 10 साल पीछे प्रधानमंत्री रहे मोनी बाबा, बहुत सारा सिस्टम खत्म हो गया कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को मिटा दिया था, कोई बोलते नहीं थे कभी, लेकिन आज यहाँ पर मोदी जाते हैं, जिस भी कंट्री में मोदी जाते हैं वहाँ पर मोदी मोदी ही होता है। मैं तो कहता हूँ कि ये कोई भगवान का दूसरा रूप है। लोग कहते हैं कि विवेकानंद जी जब अमरीका में गए तो उन्होंने भाषण किया था पाँच मिनट का, तो पूरा अमरीका उनके पीछे लगा था, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि मोदी जी भी जिस कंट्री में जितने भी उन्होंने देशों में दौरा किया तो वहाँ पर मोदी मोदी जी के नारे लगते हैं। महालक्ष्मी मंदिर पकड़डंगा जम्मू में आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक झांकी निकाली गई, जिसमें शिव भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था दर्शाई। झांकी में भगवान शिव के जीवन को दर्शाया गया। ये झांकी पकड़डंगा से निकलकर शहर के कई इलाकों से होकर गुजरी, जिसमें शामिल लोगों ने भगवान शिव की महिमा का बड़ा गुणगान किया। प्रदेश भाजपा की तरफ से जम्मू शहर में संकल्प रैली निकाली गई, जिसमें पार्टी के युवा मोर्चा व महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। इस रैली में कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, बीजेपी के प्रदेश उपप्रधान युद्धवीर सेठी व पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। ये रैली शहर के कई हिस्सों से होकर गुजरी, जिसके दौरान पार्टी को मजबूत बनाने पर बल दिया गया और ये संकल्प लिया गया कि आगामी चुनाव में पार्टी को कामयाब बनाया जाएगा। उसी उपलक्ष में हमारे जनता युवा मोर्चा को ये कार्यक्रम हमारे संगठन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था कि लोगों के बीच जाकर हमारे केंद्र में बैठे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करना और उनकी उपलब्धियों से जनता को रूबरू कराना, यही हमारा लक्ष्य है। और आने वाले 2019 के चुनावों में हमारे जो पार्लियामेंट के चुनाव है, पुनः हम केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व कैसे वापस ला सकते हैं, इसी का उल्लेख जनता के साथ कर उनका सहयोग लेकर, जनता के बीच में जाकर उनसे सहयोग मांगकर एकजुटता दिखाने के लिए ये हमारी जो बाइक रैली है आज यहाँ ऐतिहासिक हमारे मुबारक मंडी से शुरू होने जा रही है। सिविल डिफेंस की तरफ से महिला कॉलेज परेड में छात्राओं को सिविल डिफेंस के प्रति जागरूक करने के मकसद से एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर शशि ठाकुर ने छात्राओं को जानकारी दी कि किसी की आपदा से निपटने के लिए उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए। आर्मी तो बॉर्डर पे जाके लड़ेगी, पुलिस का और काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो व्हाई नॉट हम जो सिविल डिफेंस में हैं तो हम इसका रोल अदा कर दें कि लोगों को ये समझाएं कि आपने कैसे डील करना है, कैसे पैनिक नहीं होना है, क्या क्या चीज़ें आपने घर में रखनी है, क्या हो जाए तो आपने क्या करना है, लग जाए तो आपने कहाँ जाना है, कोई सस्पेक्टेड आदमी मिल जाए तो आपको कहाँ इन्फॉर्म करना है, या कोई र्यूमर्स जो हैं उन पर आपने कितना अमल करना है, कितना नहीं करना है, कौन सी र्यूमर्स को आपने आगे फॉरवर्ड, मतलब गलत र्यूमर्स को आपने ज़्यादा नहीं करना है जिससे सोसाइटी हमारी बड़ी पैनिक में हो जाए और खराबियाँ हो जाए। तो इस तरीके की हम सारी बातें, चाहे वो किसी बीमार की है, चाहे उसकी हार्ट अटैक की है, चाहे उसको इंजरी की है, चाहे जलने की है, या चाहे कोई कटने की है जब ब्लास्ट की वजह से, या कहीं कोई जहाज़ कोई एनिमी का आ जाता है और वो कोई गलत बात करने के लिए कोशिश करता है, तो हमको उस आपदा की घड़ी में क्या क्या करना है कि हमारा कम से कम लॉस हो सके, पब्लिक पैनिक में ना आए और हम अच्छे से अच्छा रोल अदा करें, लोग भी जो अपने आप को सेफ करके बाकियों को कैसे सेफ करें ये सिखाते हैं। मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। गत रात्रि से शहर में रुक रुक कर हो रही बारिश में एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यहां बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ, वहीं लोगों को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। दूसरी ओर मौसम में हो रहे बदलाव से लोगों में बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। मोस्टली ऐसा होता है कि इस समय बारिश पड़ती नहीं है, इस बारिश से इस हर चौथे दिन मौसम खराब होने से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है, नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर बंद हो जाता है,
हमारे बिजनेसमैन के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ से हम माल लोड वगैरह करवा के भेजते हैं, रास्ते में गाड़ी खड़ियाँ रहती हैं जिससे काफ़ी सामान ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग आए हुए हैं उनके स्कूल, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, ऊपर से जहाज़ के किराए इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो लोग यहाँ से वापस नहीं जा सकते। इस समय ऐसा मौसम ख़राब होना फसल के लिए भी, जैसा कि मुझे पता है या सुना है, अच्छा नहीं है। और हर रोज़ जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद रहता है, एक दिन खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, एक दिन खुलेगा फिर बंद हो जाएगा। उसके कारण जो श्रीनगर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनको वापस जाना है, सेक्रेट अभी जम्मू में है, उनकी फैमिली यहाँ पे हैं, इन लोगों ने वापस जाना है तो उनके लिए बहुत दिक्कत है। तो मैं ये यही कहूँगा कि ये टाइम नहीं है इस समय, बाकी कुदरत है भाई, कुदरत का कुछ भी आप कह सकते हो। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर एक बार फिर। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में तोपों से दाग रहा गोले, 48 घंटे में 80 से ज्यादा बार तोड़ा सीज फायर। कुपवाड़ा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 4 जवान शहीद। कश्मीर में जमात इस्लामी के 70 ठिकाने होंगे सील, कई नेता हिरासत में लिए गए। पाकिस्तान की गोलीबारी के बीच एलओसी पहुंचे जीओसी उत्तरी कोर, तैयारियों की समीक्षा की। महबूबा मुफ्ती ने सरहद के संघर्ष को बताया ड्रामा, कहा कश्मीरी भुगत रहे हैं। अभिनंदन की रिहाई के बीच पाकिस्तान की एक और खतरनाक साजिश का खुलासा, मिले सुराग। सेवन प्लस हेडलाइंस के आज के संक में बस इतना ही। मुझे व पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप देखते रहें 7 प्लस चैनल। नमस्कार।